नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में नगर पालिका आजमगढ़ में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव, शासी अधिकारी विकास कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 रुपये का ऋण स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि दोनों योजनाएं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और आज जन्माष्टमी के अवसर पर लाभार्थियों को खाते में धनराशि को भेजा जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारे प्रधानमंत्री शहरी आवास की योजना अंतर्गत और अपने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आज हमारे उत्तर प्रदेश और केंद्र की यशस्वी सरकार ने उनके खाते में सीधे पैसा आज इस जन्माष्टमी के पावन पवित्र अवसर पर भेज करके उनको एक तोहफा के रूप में, गरीबों को एक उपहार के रूप में जो आज आवास और उनके खाते में 10,000 रुपया हस्तांतरित किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आजमगढ़ में आज जो अपने चेयरमैन साहब, अपने EO साहब द्वारा आज सरकार के जो 100 लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है, आज के दिन जिनके 100 लोगों खाते में पैसा गया है उनको प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं सभी लाभार्थियों को भी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की, उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।